लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कीजिए केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियो के सबसे पहले। मेरा नाम है केतन झरपड़े और आप देख रहे हैं केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा मैं अलग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ व्लॉग। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं रहता हूँ भोपाल में, मध्य प्रदेश, और आज है 28 नवंबर 2018, और आज है मध्य प्रदेश में इलेक्शन। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है उसमें मैं इलेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, या फिर मैं खुद वोट डालने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा या व्लॉग बनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप 18 प्लस हो तभी आप वोट डालने जा सकते हो, साथ ही आपके पास होना चाहिए आपका एक वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है फ्रेंड्स, तो आपके पास होना चाहिए आपकी मतदान पर्ची, जिसकी हेल्प से आप वोट डालने जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 7:10, और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसका ऐसा कुछ व्यू आपको देखने को मिलेगा मेरे घर से। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी सनराइज हो चुका है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, वो है मनोहर टेकरी, और फ्रेंड्स ये हो रहा हमारा सनराइज। और जैसे अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 7:10, और जो वोटिंग का टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो आप कभी भी जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। और दोस्तों, वोट डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ये हमारा अधिकार है, और हमें ज़रूर वोट डालना चाहिए। भले आप नोटा को दे या फिर आप किसी पार्टी को दे, पर आपको वोट ज़रूर डालना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, इस बार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में टारगेट रखा है कि वो मिनिमम 70% वोटिंग करवाने की कोशिश करेगी, या फिर उनका ये टारगेट रहेगा कि कम से कम 70% तो ऑडियंस आए या फिर लोग आए और वोट डालें। तो देखते हैं हम दोस्तों क्या रहता है मध्य प्रदेश का वोटिंग का रिज़ल्ट। और दोस्तों, तब तक मैं आपको अब थोड़े से पिक्स दिखा देता हूँ, या थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ मेरे घर से, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू है अभी सुबह का। दोस्तों, अभी बज चुके हैं 9:30 समथिंग का टाइम है, और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये रहा मेरा वोटर आईडी कार्ड, और साथ ही दोस्तों ये ऐसे आपको एक मतदाता पर्ची भी मिलती है साथ में। तो दोस्तों, मतदाता पर्ची का काम ये रहता है कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके पास वोटर आईडी कार्ड है और आपको जिस दिन वोट डालने जाना है उस दिन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है आपका वोटर आईडी कार्ड, तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन में आपका जो मतदाता पर्ची है ये आप ले जा सकते हैं, और ये इसके मदद से भी आप वोट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहता है इसका काम, और अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जाता हूँ अपना वोट डालने, और आपको फिर बताता हूँ कि वोट वगैरह अगर आपको डालना है तो कैसे डालते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा वोट डालने से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको वोट डालने के बाद। दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर में, और मैंने वोट डाल दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी टाइम कितना हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, जो टाइम जैसे कि आप देख सकते हैं अभी फ्रेंड्स, टाइम जो हो चुका है वो है 12 बज चुके हैं, और मैंने वोट लगभग अभी से 15 से 20 मिनट पहले डाल दिया है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आखिर वोटिंग कैसे हो रही है। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि आप जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, या तो आपका वोटर आईडी होना चाहिए आपके पास, और साथ ही दोस्तों अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो कोई सा भी आपके पास होना चाहिए आपका आईडी प्रूफ, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हुआ या फिर पैन कार्ड हुआ। और दोस्तों, साथ में आपके पास होना चाहिए आपकी मतदान की पर्ची। तो दोस्तों, होता यह है कि जो आपकी मतदान की पर्ची जो होती है उसमें आपका एक पार्ट
नंबर लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स जो मेरा था वो था 26, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो बूथ होता है वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है, तो जो मेरा था नंबर 26 वहाँ पे भीड़ कम थी इसलिए मैं वहाँ गया और तुरंत ही 10 मिनट में मेरा नंबर आ गया। तो मैं जैसे फिर एंटर करता हूँ वोटिंग डालने के लिए, तो फ्रेंड्स वहाँ पे 3 लोग बैठे थे। सबसे पहले वाले जो बंदा था उसने मुझसे अपना मेरा मतदान पर्ची ली, उसने जो उनकी डॉक्यूमेंट है उसमें मेरा नाम वेरीफाई किया कि मेरा नाम है कि नहीं, और उसके बाद उन्होंने मेरा नाम वहाँ से कट कर दिया जो उनकी लिस्ट थी कि मैं आया था वोट देने। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर्ची, नेक्स्ट जो इंसान बैठा था उसने फिर मेरा, फिर से जो मेरा मतदान पर्ची था उसमें एक नंबर लिखा होता है, वो अपने डाटा डाटा के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए वो लिख लेते, और साथ में वहाँ पे आपको करना पड़ता है आपका सिग्नेचर कि आप वोट देने आए हैं। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट जो तीसरा जो पर्सन बैठा होता है, तो दोस्तों वो क्या करता है, वो जो आपका जो लेफ्ट हैंड है जिसे मैं दिखाता हूँ, वो आपके लेफ्ट हैंड में ऐसे एक इंक लिखा देता है, लगा देता है। तो दोस्तों ये जो इंक है ये आपका प्रूफ होता है कि आपने वोट दिया है। तो दोस्तों इंक इसलिए लगाई जाती है कि ऐसा ना हो कि कोई पर्सन एक से ज़्यादा बार वोट डाल रहा है, तो उसको उससे बचने के लिए और ये एक प्रूफ होने के लिए भी आपको एक ऐसी इंक वो लेफ्ट हैंड में आपके लगा देते हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो अब आपकी होती ईवीएम मशीन। तो दोस्तों इस बार ईवीएम मशीन में चेंजेस ये हुए, तो दोस्तों इस बार ईवीएम मशीन में चेंजेस आपको ये देखने को मिलेंगे तो कि जो ईवीएम मशीन पहले जो होती थी दोस्तों उसमें बस आपको मतलब सब जो भी क्या होते हैं खड़े होते हैं वोटर्स, उनका एक हर पार्टी का साइन दिया होता था और आपको बस उनके सामने जो बटन थी उस पर क्लिक करना पड़ता था। पर दोस्तों इस बार ऐसा हो रहा है कि आपकी जो ईवीएम मशीन है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक्स वाई जेड पार्टी है, आप उसके बटन पर क्लिक कर रहे हो, तो उसी की साइड में दोस्तों आपको एक दूसरी मशीन देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दबाया एक्स नाम के एक पार्टी पे आपने वोट दिया, तो वही पार्टी की जो स्लिप है दोस्तों वो आपको नेक्स्ट जो मशीन है उसमें आपको देखने को मिलेगी कि आपने कौन सी बटन प्रेस किए, और उसमें पर्ची आपको दिखेगी। और जैसे ही आप वो प्रेस कर देते हैं, जैसे आपको पर्ची दिखी उसके बाद दोस्तों वो ऑटोमेटिकली जो पर्ची है वो कट के नीचे जो उनका बॉक्स है उसमें गिर जाती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ है इस बार का वोटिंग सिस्टम। तो दोस्तों मैंने कर दिया है अपना वोटिंग कम्प्लीट और ये रहा मेरा प्रूफ कि हाँ मैं गया था और मैंने कर दिया मतदान। तो दोस्तों ये था हमारा एमपी जो कि मध्य प्रदेश का इलेक्शन। तो देखते दोस्तों अब रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट जो भी है दोस्तों मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया, बाकी हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों ये था मेरा व्लॉग छोटा सा जो कि मैंने सोचा क्यों ना आज बनाया जाए, क्योंकि आज है मध्य प्रदेश का वोटिंग। तो दोस्तों ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर ये व्लॉग आया आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो कि केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल, और दोस्तों साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियो के सबसे पहले।